दोस्तों सीकेबीसी एडिशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं हम इंजीनियरिंग ड्राइंग पार्ट 4। कौन सा दोस्तों? पार्ट 4। आज पार्ट 4 में बताऊंगा कि आइसोमेट्रिक व्यू को थर्ड एंगल में, कौन से एंगल को? थर्ड एंगल को, थर्ड एंगल को कोऑर्डिनेट में, चतुर्थ कोऑर्डिनेट में, मतलब ऑर्थोग्राफिक में कैसे उसको हम रखेंगे ड्राइंग शीट पे। तो क्वेश्चन बनता है कि दिए गए ऑब्लिक या मतलब दिए गए प्रोजेक्शन को या दिए गए आइसोमेट्रिक व्यू को ऑर्थोग्राफी में कन्वर्ट करने के लिए टॉप फ्रंट साइड को दर्शाइए। तो हम इसको दर्शाएंगे कैसे दोस्तों? ठीक है, तो पहला नंबर हम देखते हैं इसको दर्शाते कैसे। थर्ड एंगल में दोस्तों क्लियर कर दे रहा है पहले ही, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ किसमें बना रहा हूँ? थर्ड एंगल में। अभी आपको फर्स्ट एंगल में नहीं बना रहा। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, चार कोऑर्डिनेट में इसको बांट लेते हैं और यहाँ पे थी लाइन बिल्कुल पतली लाइन तथा यहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन हम दे देते हैं चारों तरफ। ठीक, जब चारों तरफ मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन दे दिया, इसको प्रथम, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ, चतुर्थांश में बांट देते हैं। ये एंगल देखेंगे तो दोस्तों 90 डिग्री का एंगल बनता जा रहा है। तो 9 × 4 = 36, 360 डिग्री हमारा पूर्ण हो जाएगा। लेकिन हमको इस पे 30 पे काम करना है और इस पे हमको क्या करना है? 90 पे काम करना है। ठीक है, ये ऑर्थो है और ये आपका क्या है? आइसोमेट्रिक है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमको बनाना है, तो कैसे देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रंट हमारा देखने के लिए यहाँ हम बैठ जाते हैं, यहाँ से देखते हैं तो ये पार्ट हमारा केवल फ्रंट दिखाई दे रहा है। क्लियर, यहाँ फ्रंट के ठीक है, लेफ्ट हैंड देखेंगे तो लेफ्ट हैंड में यहाँ से देखेंगे तो ये और ये आपको दिखाई देगा केवल। अब हम टॉप की बात करेंगे तो यहाँ पे आप छत पे चढ़ जाइए और यहाँ से देखेंगे तो ये दिखाई देगा और ये दिखाई देगा, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? टॉप हो जाएगा। क्लियर, अब बनाते हैं हम यहाँ पे। तो बनाने से पहले देख लेते हैं किसको हमें कहाँ पे रखना है। तो थर्ड एंगल में मैं बताया था दोस्तों आपको कि जब हम थर्ड एंगल में कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू को खोलते हैं तो सबसे पहले टॉप कहाँ रखते हैं? ऊपर। लेकिन जांचना क्या है हमको कि भाई साइड इधर है हमारा कि साइड इधर है हमारा। क्लियर, तो साइड अगर इधर है हमारा तो साइड इधर रखेंगे तो टॉप हमारा इधर चला जाएगा। अगर साइड हमारा इधर है तो साइड को इधर रखेंगे तो टॉप हमारा इधर चला जाएगा। लेकिन थर्ड एंगल में टॉप कहाँ रहेगा? हमेशा ऊपर ही रहेगा, ये बात ध्यान से लिखिएगा। आइए तो चलते हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखे हैं एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू, एलिवेशन का फ्रंट व्यू, प्लान मतलब जो है हमारा टॉप व्यू, और ये यस साइड, तो ये हमारा हो जाएगा साइड व्यू। क्लियर, अब यहाँ पे देते हैं एचपी और यहाँ पे देते हैं वीपी, यहाँ पे देते हैं वाई एक्स और यहाँ पे देते हैं एक्स एच। क्लियर, मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दे देंगे और यहाँ पे वर्टिकल प्रोजेक्शन दे देंगे। और नीचे बनाने के वास्ते चाहे अगर ऑर्थोग्राफी से आइसोमेट्रिक बना रहे हो, चाहे आइसोमेट्रिक से हम ऑर्थोग्राफी बना रहे हो, तो यहाँ पे लिखेंगे आर डायमेंशन, आर इन एमएम मिलीमीटर में दोस्तों। ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों? मिलीमीटर मतलब जो भी दिया गया माप हमारे पास है, जो भी दिया गया माप हमारे पास है तो वो माप हमारा किसमें होगा? आर डायमेंशन, आर एमएम मतलब जो भी हमारा डायमेंशन दिया गया है वो हमारा किसमें है? तो मिलीमीटर में। किसमें है? तो मिलीमीटर में। तो ये कर सकते हैं हम, क्या लिखेंगे बनाने के बाद से कि आर डायमेंशन आर इन एमएम, ये आप बनाने के बाद से इसके राइट हैंड साइड व्यू में क्या करेंगे हम? राइट हैंड में जाके सिंबल इसका बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों? सिंबल बनाएंगे। तो सिंबल क्या बनाएंगे दोस्तों? सिंबल वही है, एक छोटा सर्किल एक बड़ा सर्किल। छोटा सर्किल मान लीजिए 10 mm का है तो 10 mm का पहला लाइन, और ये मान लीजिए 20 का है तो 20 mm का पहला लाइन, दोनों को मिला देंगे, बीच में सेंटर लाइन मार देंगे और ये भी सेंटर लाइन मार देंगे। बट ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये इसके बगल में रहेगा, या आप इसके नीचे भी कर सकते हो, बस यहाँ पे नहीं रखते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं इसके खोल के एक एक पार्ट के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा फ्रंट साइड में हमारा साइड किधर है और फ्रंट किधर है। तो साइड को देखेंगे दोस्तों
तो वो जो साइड हमारा है वो किधर बन रहा है, यहाँ पे हमारा साइड बन रहा है, कितना बन रहा है, इस साइड में हमारा साइड बन जा रहा है। ठीक, फ्रंट की बात करेंगे तो एलिवेशन से दिखा है हमारा यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है दोस्तों, फ्रंट बन जा रहा है। अब जिधर हमारा फ्रंट रहेगा उसी के ठीक ऊपर या नीचे टॉप रहता है, ये क्लियर बन किया था पहले, तो हमारा टॉप क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा टॉप हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रंट को देखते हैं, फ्रंट के लिए मैं यहाँ पे क्या किया दोस्तों, खड़ा हो गया। ठीक, जब यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो मुझे ये और ये पार्ट केवल बिल्कुल खाली वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये और ये पार्ट केवल आपको दिखाई देगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसके डायमेंशन जो है वो 60 है। कितनी है दोस्तों, इसकी डायमेंशन जो है आपका 60 है, और इसका वीपी का डायमेंशन कितना है आपका 70 है। तो 60 एचपी हो गया और वीपी हमारा 70 हो गया। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और वर्टिकल प्रोजेक्शन, तो वर्टिकल प्रोजेक्शन जो हमारा है यहाँ से यहाँ तक केवल कितना लेंगे तो 70 ले लेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ से यहाँ कितना लेंगे तो 60 हो जाएगा, तो ये हम क्या करेंगे दोस्तों 60 ले लेंगे। क्लियर, अब जब इतना ले लिए तो आप बॉक्स भी बंद कर सकते हो। क्लियर, इतना क्लियर हो गया, लेकिन आपको दर्शाना कैसे है, ऊपर देखिए यहाँ पे जाके 15 बम दिया है, और यहाँ से भी देखिए साइड में तो कितना दिया है 15 बम, अपने राइट हैंड नहीं लेफ्ट हैंड में देखिए तो 15 बम दिया है, तो यहाँ से 15 बम पर टिक लगा लीजिए, और कितनी लेंथ है 60, तो 60 में ये कितना है 15 माइनस करेंगे तो माइनस और यहाँ से करेंगे तो ये मान लीजिए सीधे वर्टिकल लाइन है तो गिरा दीजिए और ये हॉरिजॉन्टल लाइन सीधे चला दीजिए। क्लियर, अब ये वाला मिटा दीजिए और ये भी वाला मिटा दीजिए, तो ये आपका ये इतना बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे आप डायमेंशन देख सकते हैं, तो जो डायमेंशन हमारा कितना है वो हो जाएगा 70, और ये डायमेंशन कितना है हमारा हो जाएगा 60। और डायमेंशन लिखने से पहले एक बार ध्यान दें कि जो भी आइसोमेट्रिक व्यू है, ऑटोमेटिक व्यू है, उसके ठीक यहाँ से 5 mm छोड़ने के बाद से 10 mm का एक लंबाई रेखा खींचे है, और उसने पांच इधर और पांच इधर के बीच में से एक एरो बनाया। ठीक है, और वो जो एरो बने कितने अनुपात में करना चाहिए, 3:1 अनुपात में करना चाहिए। अब ये करने के बाद से आप कौन सी डायमेंशन लेते हैं, यूनिडायरेक्शनल विधि लेते हैं कि अलाइन विधि लेते हैं, वो आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये डायमेंशन देने की विधियां होती है, आप दो तरह का डायमेंशन एक आइसोमेट्रिक व्यू में चाहे एक ऑर्थोग्राफिक व्यू में नहीं ले सकते। अगर आप 60 ये वाला ले लिया है तो यही पूरी जगह का डायमेंशन देना पड़ेगा, अगर आप यहाँ वाला ले लिया है तो यही डायमेंशन आपको पूरी जगह पे देना पड़ेगा। तो पहला आपका क्लियर हो गया, ये आप या तो हल्की लाइन बना दीजिए या आप इसे मिटा भी सकते हैं, ये आपका क्लियर हो जाएगा, या आप चाहें तो हल्की लाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, आपका ये क्लियर हो गया। अब आते हैं साइड व्यू पे, तो साइड व्यू को ठीक सामने जाएंगे और वहां से देखेंगे। ठीक है, तो जब ठीक सामने जाके देखेंगे तो पहला क्या है ये दिखाई दे रहा है आपको, और दूसरा क्या है ये दिखाई दे रहा है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब आप अपने सामने एक दीवार को देखेंगे तो केवल वह दीवार ही दिखाई देगा। ठीक है, और उसके ठीक ऊपर देखेंगे तो आपको सीढ़ियों से चढ़ के देखना पड़ेगा। तो पहला ये हो गया, और ये मान लीजिए छत है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही है, और यहाँ तो फिर इसे डायरेक्ट देख रहे हैं लेकिन इसके ऊपर नहीं देख रहे हैं, तो पहला ये कितने है, तो इसकी हाइट हो जाएगी, यही सब सीधा हल्की लाइन ले लेंगे दोस्तों, और ये हल्की लाइन यहाँ पे जाके मिलेगी, तो ये कितना है तो 40 का है, तो यहाँ से 40 का पॉइंट लगाएंगे और सीधे नीचे गिराएंगे, और ये यहाँ से गई है दोनों को मिला देंगे तो ये बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्या देखिए 15 mm यहाँ से चल रहा है। ठीक, तो 15 mm का पॉइंट मारेंगे, ये भी कितना है 15 का पॉइंट मारेंगे, और दोनों के क्या करेंगे दोस्तों मिला देंगे। ठीक, अब जब दोनों ये क्लियर हो गया तो ऊपर वाला कितना है दोस्तों, तो ऊपर वाला की अगर हाइट की बात करेंगे यहाँ पे तो ऊपर वाले की हाइट जो हमारी कितनी रहेगी 40 रहेगी, ये जो रहेगा हमारा कितना यहाँ पे मैंने दिया नहीं कहा सॉरी दोस्तों, तो ये इसका डायमेंशन कितना रहेगा 40 रहेगा। ठीक, तो जो 40 रहेगा तो ये जाहिर सी बात है 70 में से अगर 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 70 में अगर हम कितना 15 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा, अगर मान लीजिए 70 में 15 माइनस कर लेंगे तो कितना 30 बच सकता है, कितना बच सकता है 30, तब तो आपको 40 आएगा, बट क्या कि हम डायरेक्शन चेंज कर दी यहाँ पे,
डायमेंशन में चेंज कर दिए, अगर घटा देंगे तो ये डायमेंशन भी हमारा 40 का आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको 40 दिए हैं तो यहाँ पे हम 17 ना करके यहाँ पे हम 30 भी कर सकते हैं, तो 30 हो जाएगा, 4 3 7 और 0 हो जाएगा 70 आपका, ये क्लियर डायमेंशन हो गया। तो डायमेंशन से पीछेपना नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ भी डायमेंशन दूं, आपको पेपर में देखना है कि क्या डायमेंशन हमारा सही है, कि यहाँ डायमेंशन हमारा सही है। जब डायमेंशन क्लियर रहेगा तो आप इसी का टाइम कराएंगे, बट यहाँ के डायमेंशन से आपको दिक्कत नहीं है। अब मैं कुछ भी यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे कुछ भी लिख दूं, आपको ये फॉर्मूला पूर्ण रूप से आ रहा है तो पेपर में आप चेक कर सकते हैं कि ये डायमेंशन मेरा क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं, पहले वाले को देख लेंगे, ये क्लियर हो गया हमारा, मान लीजिए आपका 30 है तो 30 क्लियर कर देंगे, ओके। ये हमारा 40 है तो 40 क्लियर कर देंगे, ये भी क्लियर हो गया, ये तो प्लेन था, लेकिन ये क्या है हमारा, एक ऐसे सेक्शन किया गया, किस तरह से ऐसे सेक्शन किया गया, ठीक। जो हमारा ये सेक्शन किया गया तो पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये, जो ऊपर वाला पार्ट है वो इस तरह का, दो हमको क्लियर करवा दिया गया, ठीक। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम इसके लिए टॉप पर चलते हैं, तो टॉप पे जब जाएंगे दोस्तों तो ये मिलेगा और ये मिलेगा, लेकिन कैसे देखेंगे, कैसे हमको पता है, ये तो ऐसे है तो हम ऐसे नहीं रख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं रख सकते, इसको सीधे ऐसे घुमाएंगे, क्योंकि जब मैं फ्रंट को देख रहा था तो यहाँ से देख रहा था तो टॉप को भी देखूंगा तो ये मेरे सामने हो जाएगा, ठीक। तो जब मेरे सामने होगा तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको क्या करेंगे, यही वाला लाइन हम इसको बढ़ा देंगे, यही वाला लाइन हम इसको बढ़ा देंगे, यही वाला लाइन हम इसको बढ़ा देंगे, ठीक। तो आउटलाइन को जब बढ़ा देंगे तो वहीं पे ये कितने का है, 15 का, तो ये भी कितने का था, तो 15 का, तो ये भी कितने का था, तो 15 का, ठीक। और ये देखेंगे दोस्तों ये कितने का था, तो यहाँ से इसकी डायमेंशन चेक करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी डायमेंशन की बात करेंगे यहाँ पे, तो हमारा मान लीजिए 60 है, तो 60 में यहाँ पे तो कम होगा ही होगा, क्लियर कर सकते हैं। तो जब यहाँ डायमेंशन की बात करेंगे तो मान लीजिए 15 घटा दीजिए 60 में, तो अगर 60 है हमारा तो 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 45। तो 45 जो हो गया हमारा, यहाँ पे 45 क्लियर कर लेते हैं, तो 45 के लिए ये जो डायमेंशन है 45 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 एक 5 हो गया, 5 पर 10 मतलब हमारा 6, 60 क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जब 60 क्लियर हो जाएगा तो डायमेंशन से कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बात मैं ये बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे 40 और यहाँ पे 50, यहाँ घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं डायमेंशन को क्यों बार बार चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको और इसको, ये 15 में पतला बनेगा, सीधे ये 15 में पतला हमने बना दिया, कितनी लंबाई है इसकी, तो ये जो लंबाई है यहाँ पे आकर देख लेंगे तो 40 हो जाएगा, तो ये लंबाई हमारी कितनी हो गई, 40 हो गई, क्लियर। अब ये देखेंगे तो हमारा चौड़ाई 45 था, लंबाई 40 था, तो यहाँ से क्लियर कर लेंगे, ठीक। ये बात हमारा बन के तैयार हो जाएगा, देखिए हमने इसको ऐसे देखा था, तो ये वाला जब बनाएंगे तो हमारा ऐसे बनेगा, क्लियर। लेकिन ये वाला जब बनाएंगे तो हमारा ऐसे नहीं बनेगा, जिस तरह से ये इंटर कटा हुआ है उसी प्रकार से हम इसमें भी कटिंग करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों, इतना क्लियर हो गया हमारा ऑर्थोग्राफी, क्लियर हो गया हमारे से कटिंग में चलते हैं, क्लियर करते हैं उसको भी, आइसोमेट्रिक में क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले बेसिक लाइन खींचेंगे, ठीक। उसके बाद से और बेसिक लाइन खींचेंगे, ठीक। अगर हमारा डायमेंशन क्लियर है तो सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं, नहीं क्लियर है तो डायरेक्ट बनाते हैं, चलिए डायरेक्ट बनाते हैं। डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये 30-30 लाइन का, ठीक है दोस्तों, 30 डिग्री और इधर भी 30 डिग्री, क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद ये कितना था, 40 था, तो 40 यहाँ पे ले लेंगे दोस्तों, क्लियर। ये कितना था, तो 70 था, ठीक, 70 था, तो 70 हम ले लेंगे यहाँ से, 90 के लिए 70, क्लियर। अब ये देखेंगे ये 30 गया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 30 गया है, तो 30 को 20 को ऐसे डायरेक्ट नहीं ला सकते, यहाँ ऊपर दिखाया डायमेंशन जो 15 है तो यहाँ वहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, और चाहेंगे आप तो डायरेक्ट खींच सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए वहीं पे, यहाँ ये उठाइए यहाँ पे रखेंगे तो इसका डायमेंशन कितना था, 40 था, तो 40 के लिए यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, 40 पर ये आपका 30 क्लियर खड़ा होगा, तो ये आपका पहला वाला बन गया, क्लियर। तो ये वाला जब पहला आपका बन गया तो दूसरा आपका क्यों नहीं बनेगा, इधर कितना आना था नहीं पता है, ऊपर कितना जाना था नहीं पता है। अब ये और ये इतना तो बना लिए भैया, ठीक,
50 में जाएंगे तो 15 के पास से सीधे 30 काटेंगे, यहां से सीधे ऐसे काटेंगे ठीक। तो जब यहां से हम ऐसे काटेंगे तो ये मार्क हमारा कितना 15 पर नीचे आ जाएगा और नीचे गिरा देंगे, हमें नहीं पता है, और इसको भी क्या करेंगे इसको मिला के मिला देंगे पहले जैसे, लेकिन इसको मिटा देंगे, ये हमारा इतना एंगल बन के तैयार हो जाएगा क्लियर। तो जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो हम इसको जब बनाते हैं तो पहला ये तो हमारा बन गया, लेकिन दूसरा बनाना तो पड़ेगा ना। तो ये वाला छत के लिए क्या करेंगे, 330 मिला करेंगे, ये तो इसमें मिलेगा सेटिस्फायर से बिल्कुल मिलेगा ठीक। तो इससे हमें मतलब नहीं है, बट इससे मतलब है। तो जब इसको खड़ा करेंगे दोस्तों तो ये वाला पार्ट हमारा आसानी से बन जाएगा, अब देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हमारा बनता चला गया, सेटिस्फायर बढ़ाते चले जाएंगे और बनाते चले जाएंगे। ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू चल के तैयार हो गया। लीजिए ये टॉप था, ये आपका टॉप था, ये आपका फ्रंट था, ये आपका उसके खाली वाला स्पेस था, और ये आपका साइड व्यू था, ये आपका ठीक है साइड व्यू का फ्रंट वाला सामने का ठीक है। तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा फ्रंट, ये हो जाएगा साइड, ये हो जाएगा टॉप, ये आपका तीनों क्लियर हो गया ठीक है। डायमेंशन में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। नमस्कार दोस्तों।